गुरु प्यारी सत्संग जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए निरंकार जी। आज का टॉपिक है निरंकार के सिवा कभी भी किसी पर कोई भरोसा ना करना। प्यारी प्यारी सत्संग जी, अक्सर क्या होता है कि आदमी इस संसार से एक्सपेक्टेशन करता है, दुनिया से उम्मीद करता है, माया के साथ में उम्मीद करता है, लेकिन जो माया है वो कभी किसी की सगी नहीं होती है। माया रंग बिरंगी है, जो तेरा मन बहलाती है, पक्की बात समझ ले मेरी, यह आती और जाती है। सुख दुनिया के केवल छाया, घर तो प्रीत बढ़ाएगा, जब यह छाया ढल जाएगी रोएगा चिल्लाएगा। जो कुछ भी है नजर आ रहा, आने जाने वाला है, बुद्धिहीन है मूर्ख बंदा जो इसका मतवाला है। अस्थिर के संग प्रीत लगाकर अंत में रोना पड़ता है, हाथ पल्ले नहीं कुछ पड़ता, सब कुछ खोना पड़ता है। सात संत के प्रीत करे जो सुख वह सारे पा लेता है, अवतार संत कृपा जो कर दे अपने साथ मिला लेता है। तो संतों की कृपा बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। संत महात्मा हमें केवल निरंकार के साथ जुड़ते हैं, कहते हैं कि केवल परमात्मा की भक्ति करो, निरंकार के सिवा और कहीं मन लगाया तो अंत में धोखा ही खाना पड़ेगा, क्योंकि माया हमेशा नहीं रहती है। ये माया एक छाया की तरह होती है, आती है जाती है। ज्योति से सुसकल विनाशे, जीव बादल की छाया। तो कोई भी कितना भी विशेष क्यों ना हो, उसके शरीर के साथ में नहीं जुड़ना है हमने। हमने केवल निरंकार के साथ ही जुड़ना है और कभी भी किसी पर भरोसा आसानी से नहीं करना है। हमने अगर भरोसा करना है तो केवल निराकार प्रभु पर भरोसा करना है, क्योंकि परमात्मा के साथ जब हम प्रेम करते हैं तो दिल हमारा कभी टूटता नहीं है। अगर संसार में दिल लगाएंगे तो दिल टूटता है, क्योंकि संसार में होता है स्वार्थ। जब इंसान का स्वार्थ जब तक रहता है तब तक लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, दिखलावे का झूठा प्रेम करते हैं, और जैसे ही मतलब निकल जाता है, स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो फिर आदमी आदमी से संबंध तोड़ देता है। एक इंसान दूसरे इंसान का दिल भी तोड़ देता है। तो संसार के रिश्ते बनते हैं स्वार्थ से, तो जहाँ पर स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है उसके बाद फिर लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि गॉड के साथ में लव करो, लव इज गॉड, गॉड इज लव, गॉड लव नेवर फेल। कि ईश्वर के साथ में अगर हम प्रेम करेंगे तो कभी हमारा दिल नहीं टूटेगा। और ईश्वर को भूल कर, निरंकार को भूल कर और हमने कहीं भी दिल लगा दिया तो दिल एक न एक दिन टूटना है। आस न रखना माया ऊपर, आस न रखना बंधों पर, आस न रखना संबंधों पर, आस न रखना धंधों पर, आस न रखना बुद्धि बल पर, सूझो और पढ़ाइयों पर, घर बार और बेटे बेटी दौलत और कमाइयों पर। कहे अवतार आस एक रब की, कन कन रहा समाये जो, रमे राम का लो आसरा पूरा गुरु बताए जो। कि आसरा केवल राम, रमे राम निरंकार का लेना है, सदगुरु का लेना है, और इस संसार का संगी साथी संबंधी ये सब मतलब के हैं, संगी साथी सब मतलब के, सिर्फ एक गमखार गुरु, दुनिया के सब रिश्ते झूठे, सच्चा रिश्तेदार गुरु, धन दौलत ढलती छाया अचल रहे दातार गुरु, बाकी सभी सहारे झूठे, सच्चा है पतवार गुरु। ऐसे सदगुरु को जो पूजे उसकी शान निराली है, कहे अवतार गुरु बिन सब कुछ लगता खाली खाली है। कि संगी साथी सगे संबंधी सब स्वार्थ के हैं, सब मतलब के हैं, मतलब की यारी दोस्ती है। तो इस संसार का मतलब ये स्वार्थ है, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, इस दुनिया की यही है रीति। कि संसार की रीति है कि स्वार्थ की सिद्धि, स्वार्थ के वसी दुनिया में लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन जो सदगुरु है निरंकार है, ये निष्काम निस्वार्थ प्रेम करता है। तो भक्त और भगवान का प्रेम जो होता है निष्काम निस्वार्थ होता है। भक्त केवल भगवान से उम्मीद करते हैं, ये भगवान ही हमारा है, ही हमारा गुजारा, ही हमारा सहारा है। तो इसीलिए संत महात्माओं ने अपने अनुभव से ये बात बताई कि निरंकार के सिवा कभी भी किसी पर कोई भरोसा नहीं करना, नहीं तो अंत में पछताना पड़ेगा। सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।